लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रिकेट में शब्द की काफी डिमांड होती है और अगर ओपनिंग की बात की जाए तो हर टीम चाहती है कि उसकी ओपनिंग में राइट हैंड बैट्समैन के साथ साथ एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हो ताकि पावर प्ले में तेजी के साथ रन बनाए जा सके। यूं तो विश्व क्रिकेट में एक से बढ़कर एक धुरंधर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जिनमें शिखर धवन, डेविड मिलर, युवराज सिंह, डेविड वार्नर, सुरेश रैना का नाम आता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में एक ऐसा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने का मादा रखता है। Shot. Oh, he's moving nicely, Quinton de Kock. This is the best we've seen all summer from him. The first time that Quinton de Kock has a 50 against the Australians. जिस दिन इस बल्लेबाज का बल्ला बोलता है उस दिन हर गेंदबाज की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन साल 2016 में एक समय ऐसा भी आया जब ये बल्लेबाज पूरी तरह से टूट गया। क्विंटन डी कॉक के बचपन के दोस्त डैरन रंडेल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और इस बात का क्विंटन डी कॉक पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उस समय क्रिकेट पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिनके नसीब में लंबी उड़ान होती है वो परिंदे हर तूफान से टकरा कर आगे निकल ही जाते हैं और आगे चलकर ये बल्लेबाज भी साउथ अफ्रीकी टीम का कप्तान बना। हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्विंटन डी कॉक की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। जोहान्सबर्ग, अक्टूबर 14, 2012, चैंपियंस लीग T20 का पहला मुकाबला। आमने सामने थी मुंबई इंडियंस और हाई वेल्ड लायंस। न्यू वांडरर्स स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा था। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हाई वेल्ड लायंस की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम ने अपने 2 विकेट जल्द ही गंवा दिए। 37 रनों पर टीम के 2 विकेट गिर गए थे। टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। यह मुकाबला लायंस के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद मैदान पर आया 19 साल का एक युवा बल्लेबाज जो देखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था। अभी तक इस लड़के की दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। नील मैकेंजी के साथ मिलकर इस युवा खिलाड़ी ने लायंस की पारी को संभाला। अनुभवी नील मैकेंजी के साथ मिलकर इस युवा खिलाड़ी ने धुआंधार अंदाज से अपनी पारी की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों के बीच अहम साझेदारी हुई। 15वें ओवर तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। किसकी हार होगी या फिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी ये साफ नहीं था, लेकिन फिर 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी धवल कुलकर्णी को इस 19 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने जमकर धो डाला। कुलकर्णी के उस ओवर में 17 रन आए और लायंस लक्ष्य के और नजदीक पहुंच गए। मैकेंजी जैसे अनुभवी और इस युवा खिलाड़ी की जोड़ी के आगे कप्तान हरभजन सिंह भी हताश नजर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने भज्जी की भी जमकर पिटाई की। भज्जी के बाद 4 ओवरों में लायंस ने 36 रन जोड़ डाले। इस युवा खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक की 51 रनों की नाबाद आक्रामक पारी ने टीम को जीत के पार पहुंचाया। इस धुआंधार पारी के बाद क्विंटन डी कॉक ने जमकर सुर्खियां बटोरी और आज ये साउथ अफ्रीकी टीम का अहम हिस्सा है। दोस्तों, क्विंटन डी कॉक का जन्म 17 दिसंबर 1992 में जोहान्सबर्ग गोटेंग में हुआ था। उनके पिता का नाम अर्नेस्ट डी कॉक है। डी कॉक ने अपनी पढ़ाई किंग एडवर्ड हाई स्कूल से पूरी की। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान रह चुके ग्रैम स्मिथ और नील मैकेंजी ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। बचपन से ही डी कॉक बेसबॉल खेलते हुए बड़े हुए। बेसबॉल में करियर बनाने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के समझाने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए डी कॉक ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। एक इंटरव्यू में बात करते हुए डी कॉक ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरे भविष्य को लेकर एक लंबी चर्चा हुई, लेकिन मैं पहले ही फैसला कर चुका था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ जो किसी भी 17 साल के लड़के की आंखों में आंसू ला देगा। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। हमने पढ़ाई बीच में छोड़कर पूरा ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित करने का फैसला किया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मेरा यह फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि नील मैकेंजी उनके क्रिकेटिंग आइडल हैं। 16 साल की उम्र में 2009-10 सीजन के दौरान डी कॉक ने गौतेंग के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। साल 2012 अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ मुकाबलों में टीम की कप्तानी भी की थी। साउथ अफ्रीका की टीम यह वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, लेकिन एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर डी कॉक ने जमकर सुर्खियां बटोरी। अपने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से वह छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस टूर्नामेंट में 284 रन बनाकर वे चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। साल 2012-13 चैंपियंस लीग T20 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ नील मैकेंजी के साथ हुई मैच विनिंग पार्टनरशिप ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी इस पारी ने नेशनल टीम के सिलेक्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। इस पूरी लीग में डी कॉक छाए रहे। घरेलू क्रिकेट में
इस एक सफल सीजन के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए उन्हें चुना गया। सीरीज के पहले मैच में उन्हें एबी डिविलियर्स की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। अपने डेब्यू टी20 मुकाबले में उन्होंने नाबाद 28 रनों की पारी खेली। जनवरी 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया। शुरुआती वनडे टी20 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 8 नवंबर 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ डिकॉक ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जमाया। उनकी 112 रनों की पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका यह मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। इस पारी ने डिकॉक के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ अपनी अगले वनडे सीरीज में उन्होंने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और मेजबान टीम के खिलाफ लगातार 3 शतक जड़ डाले। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद फरवरी 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता है, उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर में आता है। कुछ ऐसा ही डिकॉक के साथ भी हुआ। 2015 ICC वनडे वर्ल्ड कप में वह रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मैदान पर डिकॉक और तमीम इकबाल के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद उनकी मैच फीस पर 75% का जुर्माना लग गया। उनके सफल प्रदर्शन के बाद उन्हें भारत के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह डेन विलास को टीम में शामिल किया गया। टीम से इस तरह बाहर किए जाने पर वह काफी डिप्रेशन में चले गए और टीम से बाहर होने के बाद वह क्रिकेट छोड़ देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने घरेलू क्रिकेट की ओर वापसी की, अपनी कमियों को सुधारा और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धुआंधार वापसी की। 2016 IPL सीजन में उनकी बल्लेबाजी से राहुल द्रविड़ खासे प्रभावित हुए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ डिकॉक ने 51 गेंदों में 108 रनों की पारी खेली। द्रविड़ ने कोच पैडी अपटन से कहा, हमने जो आज देखा है वह प्रतिभा का एक शानदार नमूना है। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम इस आदमी की सराहना नहीं करते। अपटन ने कहा, जब राहुल ने मुझसे यह बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे लिए अविश्वसनीय पल था। 2016 में सेंचुरियन में इंग्लैंड के खिलाफ डिकॉक ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने शतक जमाया। साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। इस साल उन्होंने चीयर लीडर रह चुकी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड साशा हर्ली के साथ शादी भी कर ली। साल 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 305 रन बनाए। उन्होंने तीनों प्रारूपों में साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी भी की। 30 दिसंबर 2021 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। परिवार के साथ वक्त बिताने का हवाला देते हुए डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। क्विंटन डिकॉक अपने अग्रेसिव बैटिंग और एलिगेंट शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर कवर ड्राइव हो या फिर मिड विकेट की ओर पुल शॉट, स्क्वायर कट, लेट कट, लेग साइड पर चौके छक्के लगाने में डिकॉक माहिर हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या वे गार्डनर थ्योरी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे किताबों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं थी। हम ड्रेसिंग रूम में अक्सर मजाक करते हैं कि भले ही मेरे पास हाई स्कूल ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास क्रिकेट में मास्टर डिग्री है। दोस्तों, एक ऐसी चीज भी है जो डिकॉक को क्रिकेट से कहीं ज्यादा पसंद है, और वह है फिशिंग। एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा, MS धोनी जैसे विकेटकीपर बल्लेबाजों के उत्तराधिकारी बनने के बजाय वे एक अच्छे फिशरमैन बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उनको एक कुशल फिशरमैन के रूप में याद रखे। भले वो खुद को क्रिकेटर से ज्यादा फिशरमैन मानते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा समय में वो विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ओपनर्स में से एक है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में डिकॉक की भारी डिमांड है। IPL में भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मुंबई इंडियंस के साथ वो दो खिताबी जीत का हिस्सा भी रह चुके हैं। साल 2022 IPL ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6.75 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें टीम में शामिल किया। IPL 2022 उनका अब तक का बेस्ट सीजन रहा। 15 मैचों में डिकॉक के बल्ले से कुल 508 रन आए हैं। IPL के 16वें सीजन में भी वे लखनऊ की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 3 मैचों में डिकॉक इस टीम का हिस्सा नहीं है। उम्मीद करते हैं डिकॉक जल्द ही लखनऊ के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। डिकॉक के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात की जाए तो अब तक उन्होंने 54 टेस्ट में 3,300, 140 वनडे में 5,966 और 80 टी20 मुकाबलों में 2,777 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने वनडे में 17, टेस्ट में 6 और टी20 क्रिकेट में 1 शतक भी जड़ा है। क्विंटन डिकॉक के बारे में आप कितना जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।